हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का साइंस का आपका सेकंड चैप्टर का मेन पार्ट जो है। चैप्टर का नाम था आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या नाम था? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, कोलोइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्यूज सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे उनके बारे में पढ़ चुके हैं और उन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड कुछ सेपरेशन के मेथड्स जो हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, सेपरेटिंग फनल का एक मेथड हमने पढ़ा था जिससे दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के साथ। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, उसका क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब है भौतिक। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अपनी स्टेट के अंदर चेंज कर ले, उसके नेचर में कोई चेंज ना हो, उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज ना हो, केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी वो क्या रहे, सेम रहे, तब हम उसको क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर, हमने वाटर को फ्रीज कर दिया, ठीक है, तो वो किसमें डेवलप हो जाएगा, हमारा आइस में। ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज? क्योंकि इसमें वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं हुई। आप सब जानते हैं कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, H2O। ऐसा नहीं हुआ कि आइस जब बनी तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O ना हो, वो भी क्या है, H2O ही है। क्लियर यहां तक? तो वो ऐसा कोई चेंज, ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें क्या हो, सिर्फ स्टेट जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कई बार जो है ऐसा भी नहीं होता कि स्टेट में भी कोई चेंज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया एक बुलबुला, ठीक है, और उसके हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसके क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। देखिए, पहले भी वो लकड़ी ही थी और बाद में भी वो क्या है, लकड़ी ही है, उसके अंदर केमिकली कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये जो चेंज है ये भी क्या है, फिजिकल चेंज ही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि जब वेपर्स बनती है हमारी तो वो भी किसमें होती है, H2O फॉर्म की होती है वो भी। तो हम ये कहेंगे कि वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज ही है। टियरिंग ऑफ पेपर, मतलब कि कागज को फाड़ दिया हमने, ठीक है, तो कागज को जब फाड़ा था हमारे पास कागज के दो टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं होना एक कागज रहा, एक कोयला बन गया, एक रात बन गई, तो वो जो है वो कैसा चेंज आपका, टियरिंग ऑफ पेपर भी एक फिजिकल चेंज है। क्लियर है तक? एक और देखिए, अगर मैं बोलूं बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैंने कहा बर्निंग ऑफ पेपर मतलब कि कागज को जला दिया आपकी बात, तो कागज को जला देंगे तो राख बनेगा और धुआं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो राख और जो धुआं है वो कागज से अलग है। कागज के ऊपर आप लिख सकते थे पर राख और धुएं के ऊपर आप लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आपकी बार बदल चुकी है, और जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाएगी हम क्या कहेंगे उसको, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे उसको, केमिकल चेंज। इसी तरीके से अगर मैं कहूं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ गैस, हमने मोम लिया उसको एक कंटेनर के अंदर डाला और गैस के ऊपर रख दिया उसको गैस ऑन करके, तो क्या होगा, मोम जो है वैक्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज।
जबकि अगर मैं कहूं बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो क्या आपका एक केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज? आप एक बार एज्यूम करके देखिए कि मोमबत्ती जल रही है तो उससे आपको लगातार एनर्जी मिल रही होती है। वो एनर्जी कहां से मिली होती है? मोम जो है जब आप स्टार्टिंग में लेते हैं मोमबत्ती को उसका वजन ज्यादा होता है, वहां पे जो मास उसका कुछ मास जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। उसके साथ साथ आप याद कीजिए उस धागे के साथ क्या हुआ जो मोमबत्ती के अंदर था, ठीक है, वो जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, जल चुका होगा। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या फिर सिर्फ कार्बन की फॉर्म में, थोड़ा सा वो लास्ट में नीचे बच जाता है, ठीक है। ये जो चेंजेस है ये थे आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये आर्टिकल आपका, व्हाट आर द types of pure substances, pure substances के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले पढ़े मिक्सचर्स, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटरोजेनियस मिक्सचर, जिसमें हमने ये कहा कि दो दो टाइप के सेम या डिफरेंट सब्सटेंसेस, सेम सॉरी डिफरेंट सब्सटेंसेस जब एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, अगर होमोजीनियस होगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, और हेटरोजीनियस है तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, ठीक है। तो अब इस बात को आप समझिए कि प्योर सब्सटेंसेस को, जो सब्सटेंसेस हमने वहां पर इस्तेमाल किए मिक्सचर से पहले वो क्या है आपके, उसका क्लासिफिकेशन अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम तीन क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले देखिए बेसिस के ऊपर देखते हैं, पहला है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। क्या था फिजिकल क्लासिफिकेशन? फर्स्ट पॉइंट सॉलिड, दूसरा पॉइंट लिक्विड, तीसरा पॉइंट गैस। ये था आपका मैटर या सब्सटेंसेस के लिए फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन देखिए पहला है आपका एलिमेंट्स, दूसरा है आपका कंपाउंड्स, और तीसरा है मिक्सचर, ठीक है। पहला क्या है? एलिमेंट्स, दूसरा क्या है? कंपाउंड्स, और तीसरा क्या है? मिक्सचर। फिर से मैं बोल रहा हूं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, सोलिड लिक्विड एंड गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो बिल्कुल शुरुआत में आज से हजारों साल पहले हमारे इंडियन जो ग्रंथ होते थे, पुराने जो ग्रंथ हैं, उनमें पांच तत्वों के बारे में कहा गया है, ठीक है। आप सबने उनके बारे में सुना होगा, अग्नि, वायु, भूमि, धरा भी इसको कहते हैं, मिट्टी भी कह देते हैं, पानी, ठीक है। तो ये जो पांच तत्व है आपके, आकाश जो है एक पांचवा तत्व, तो ये जो पांच तत्व है पुराने समय में इन्हीं को पांच तत्व माना गया था, और ये माना गया कि इन्हीं से, इन्हीं पांचों तत्वों से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ठीक है। बट ऐसा वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता जो है आज जितने तत्वों का हम पढ़ते हैं वो टोटल जो है हमारे पास 118 है, ठीक है। इतने एलिमेंट्स आज हमारे पास 118, टाइम टू टाइम जो है इनमें सुधार होता चला गया और हमें नए नए एलिमेंट्स जो है वो मिलते चले गए। इन 118 में से कुछ जो है वो ऐसे हैं जो कि हमने खुद ने सिंथेसाइज किए हैं, लेबोरेटरीज के अंदर जो है हमने उनका निर्माण किया है, ठीक है। तो सबसे
छोटा जो एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन। इनके जो नाम है वो आपने सुने हैं, ठीक है, पहले 5 की खोज हुई, फिर 12 की, 33 की, फिर 65 की, और आज हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है 118। और ये जो 118 एलिमेंट में शुरुआत का जो होती है हाइड्रोजन की, सबसे छोटा एलिमेंट हम इसको कहते हैं। आप लोगों ने इन सबके नाम सुने हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके आगे आप इनको समझेंगे भी और आगे नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की। जो एलिमेंट्स है हमारे उनको हमने 3 टाइप से एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप से पार्ट किया है। एक आपका मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स और तीसरी जो है मेटलॉइड्स। ये मेटल्स क्या है, धातु। जो टोटल 118 है उनको मैं क्या करता, 3 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, ठीक है, दो बांटा ताकि हम उनको आसानी से पढ़ सके, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांट दिया समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक साथ 118 एलिमेंट को स्टडी करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। अगर सोचे कि आपको एक एक दिन हर रोज एक एलिमेंट के लिए पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप पूरी साल के दौरान भी उन सबके एलिमेंट्स को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने उनको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स जो है वो क्या होती है, धातु, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेटल्स है, धातुएं है। इनका क्या नाम होता है, कैसे पता चला, इनकी प्रॉपर्टी जो है बाकी एलिमेंट से क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से अलग होती है। ज्यादातर जो एलिमेंट्स हमारे वो क्या है, मेटल्स होते हैं, ठीक है। 10-11 के आसपास आपके मेटलॉइड्स है और 10-11 के आसपास ये आपकी नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो मालेबल होते हैं। मालेबल मतलब अगर हमने कितना सा पीस लिया आयरन का मान लीजिए, हम उसको गर्म करके और हैमर से उसके ऊपर पीटे अगर, तो वो जो उसका साइज जो है लगातार बढ़ता चलेगा, ये तो प्रॉपर्टी है, ये क्या कहलाती है, मालेबिलिटी, ठीक है। जैसे अगर आपने लोहा जो है कोई देखा हो, वो क्या करता है, तो एक एक टुकड़े को गर्म करता है और पीटता जाएगा उसको, और मन चाहे आकार में हम क्या कर सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पतली पतली चदरें जो है हम उसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, हम मेटल्स से तार बना सकते हैं, ठीक है। मेटल से क्या बना सकते हैं, तार। मेटल के एक छेद को बिल्कुल पीट पीट के पतला करेंगे और उसको पतले बारीक छेद से निकाल के पकड़ के खींचेंगे, वो जो एक सीधा बारीक तार जो है वो लगातार बनता चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, मालिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मेटल्स ही शो करते हैं। उसके साथ साथ मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी है। मेटल्स क्या है, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी है। और क्या प्रॉपर्टीज है मेटल की, एक एक करके हम लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो आपके मेटल्स के एग्जांपल। और क्या होते हैं मेटल्स, मालिएबल, डक्टाइल, कंडक्टर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी जो है हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी और है लस्टर। मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, लस्टर में चमकीले होते हैं, ठीक है। जैसे आपने लोहा देखा हो, न्यू सा टेस्ट जो है मेटल्स का, वो क्या होता है, चमकीला होता है। हालांकि मेटल्स के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, जिसकी वजह से उनका जो सरफेस है वो उतना ज्यादा चमकीला नहीं रह पाता। बट एज अगर हम बात करें मेटल के न्यू सरफेस की, तो वो क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। हार्ड होते हैं ज्यादातर मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम,
सोडियम जो हम क्या होता है सॉफ्ट होता है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो हम क्या होता है लिक्विड स्टेट में आपका होता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स है जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम और कुछ और, ये क्या है नॉन मेटल्स है। मीन्स ये वो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल जैसी नहीं, ना तो ये मालिएबल, ना ही ये डक्टाइल, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, ठीक है, नॉन मालिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन लक्षर्स, ठीक है, ये भी हार्ड पर होते हैं मोस्ट ऑफ देम, सॉरी नॉन मेटल्स है, इनके अंदर जो है गैसेस हो सकती है, ठीक है, और नॉन मालिएबल, नॉन डक्टाइल और नॉन लस्टर्स, ठीक है, और उसके बाद है मेटलॉइड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिलोंग करेंगी लाइज बिटवीन metals and non-metals, जैसे कि silicon, ठीक है, metalloids क्या होंगे वो elements जिनकी properties जो है वो metals और non-metals के बीच में हो, मतलब जो ना तो completely metallic हो और ना ही completely non-metallic हो, उनको हम क्या बोलेंगे metalloids बोलेंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बारे में, तो कंपाउंड्स जो है वो एक्चुअली क्या, हमने सबसे छोटी यूनिट जो है वो पढ़ी एलिमेंट्स, ठीक है सर, एंटोन लेवोजियर ने इसका कंसेप्ट दिया था एटम का सबसे पहले, और एंटोन लेवोजियर को केमिस्ट्री का फादर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो बात करें कंपाउंड्स जो है उसकी, तो कंपाउंड्स जो है वो क्या होता है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर, जब दो एटम्स, एक दो, दो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए केमिकली, उनके बीच में क्या हो जाए केमिकल बॉन्ड्स बन जाए, वो आपस में जुड़ जाए, तब हम क्या करेंगे देन द टू एटम्स आर देन द कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस देन वी से कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है, तो कंपाउंड में हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की जगह हम एलिमेंट यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इज नोन एज कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड क्या है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। अब कंपाउंड्स जो है इनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होंगी किससे, जिन एलिमेंट से मिलके ये बना, हो सकता है सेम भी हो पर कम से कम एक प्रॉपर्टी तो क्या होनी चाहिए अलग होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एटम लिया हाइड्रोजन, एक लिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान लीजिए दो एटम ले लेता हूं हाइड्रोजन के, इस ये आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये आपका बनता है एच टू, ठीक है, समझते देखिए दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब आपस में लिया तो हमें दो मॉलिक्यूल वाटर के मिले, ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और आपस ऑक्सीजन आपस में मिले और वाटर इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो हाइड्रोजन जो है ये और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ये हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलकर बना, ये ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बना, ये जो है ये आपका कंपाउंड कहलाएगा।
आई बात सुन, ये क्या कहलाएगा आपका कंपाउंड कहलाएगा। इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर दो अलग अलग एटम है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और बात देखिए कि जो दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं उनका जो रेशियो है वो क्या रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर बात जो है वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, वो आगे आपके लॉज आएंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनमें हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके क्या होंगे कंपाउंड्स होंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस आर नोन एज कंपाउंड, और दीज कंपाउंड्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल है, वो एक ईंधन है, इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। ऑक्सीजन जो है वो एक कंबस्टन का सपोर्टर है, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए ये जलने वाली चीज और ये जलाने वाली चीज है, ये दोनों को आपस में मिलकर नया नई चीज जो बनी हमारी वो H2O वाटर है, जो कि आग बुझाने वाली चीज है। पानी से आग हम बुझा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिया कि कंपाउंड कैसे बनेंगे, जिन दो चीजों से मिलकर बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी जो है जो कंपाउंड बनेगा उससे कैसे होगी थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स जो है वो क्या होते हैं, देखिए कंपाउंड में मैंने कहा था कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होंगे एक फिक्स रेशियो में। ऐड कर देते इसके अंदर व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज नोन एज कंपाउंड बट इन डेफिनेट रेशियो, और मिक्सचर के अंदर वो रेशियो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स इज नोन एज ए मिक्सचर। मान लीजिए हमने एक चम्मच नमक लिया, आधा चम्मच उसके अंदर चीनी मिला दी, ठीक है, तो वो जो है क्या बन गया आपका साल्ट का और शुगर का मिक्सचर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने मिट्टी की अगर बात करें हम, तो मिट्टी जो है वो भी क्या है मिक्सचर है, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी चीज कितने अनुपात में है, क्योंकि अलग अलग जगह की जो मिट्टी है वो क्या है अलग है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम टैप वाटर की, कुएं के पानी की बात करें, जो तालाब जो है उसके पानी की बात करें, तो वो भी क्या है मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर, क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप का जो पानी है वो इकट्ठा होता है और उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो क्या होती है सारी अलग अलग होती है। किसी के अंदर मान लीजिए जो है मिट्टी ज्यादा घुली हुई होगी, किसी के अंदर पोटेशियम कैन ज्यादा होंगे, किसी के अंदर सल्फर थोड़ा सा मिल सकता है, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका नाइन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक